गणेश प्रतिमा विसर्जन करने गए 18 वर्षीय संजय प्रजापति की नदी में डूबने से मौत हो गई। युवक अपने साथियों के साथ बजरंगगढ़ की चौपेट नदी में गणेश प्रतिमा विसर्जित करने गया था। इसी दौरान नदी की गहराई में संजय डूब गया और बजरंगगढ़ की चौपेट नदी काफी गहरी है, जहां धार्मिक आयोजनों के बाद प्रतिमाएं विसर्जित की जाती हैं। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान इस स्थान पर पुलिस बल की तैनाती नहीं की गई थी, न ही सुरक्षा की कोई व्यवस्था थी। संजय प्रजापति की मौत के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए शोक व्यक्त किया। कमलनाथ ने लिखा है कि विसर्जन के दौरान किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र की इस घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री ने संवेदनाएं प्रकट की हैं। तो साहब मैं तो फैन हूँ, मुझे बाद में मालूम चला कि तुम्हारे पति का दूध है, मैं गया तो बहुत देर बाद आधे घंटे के बाद। तो ये घटना कब की है? अभी डेढ़ बजे। डेढ़ बजे की? किस गांव की है? बजरंगगढ़। बजरंगगढ़। अच्छा, कौन सी नदी में गए थे जहाँ की सर? लालवाई घाट चौपट में। लालवाई घाट कौन सी नदी है? चौपट नदी है। चौपट नदी है। अच्छा अच्छा, तो क्या नाम था उनका? संजय प्रजापति। संजय प्रजापति। कितनी उम्र होगी? 18। तो क्या और भी लोग गए होंगे, किसी ने बचाया नहीं? और भी थे तो सारे बच्चे। क्या कारण रहा, ज़्यादा पानी में चले गए क्या? गहरा पानी था। तो फिर पुलिस की मदद से लाए होंगे आप। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट।